फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने सिरसा में जान से मारने की धमकी दी है, यानी फिरौती मांगी गई है। और ये फिरौती हरियाणा के पूर्व में सिंचाई मंत्री रहे चौधरी जगदीश नेहरा, उनके बेटे सुरेंद्र नेहरा से मांगी गई है। हालांकि शिकायत दे दी गई है, पुलिस में केस भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सुरक्षा वगैरह नहीं प्रदान की गई है अभी तक। और कल चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद जो है सिरसा के SP का इनके पास फ़ोन आया और सुरक्षा है वो अभी तक नहीं दी गई है। और क्या कुछ मामला है उसको लेकर के हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता हैं सुरेंद्र नेहरा, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या कुछ ये मामला था, कब थ्रेट वगैरह दी गई और आप ही को क्यों दी गई, क्या कुछ संबंध है वो लग रहा है? नमस्कार प्रमोद जी, ये मामला पिछले 15-16 जनवरी का है। 15 तारीख को भी मेरे पास 3-4 मिस कॉलें आई व्हाट्सएप पे, जो कि मैं उनको अटेंड नहीं कर पाया जी। उसके बाद 16 तारीख को भी दोपहर में करीबन 1:30-2 बजे ये कॉल आई जी। और दूसरी साइड से गोल्डी ब्राड नाम का व्यक्ति बोल रहा था जी। जो कि अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सदस्य है, बताकर उसने अपना परिचय दिया और उसके बाद उसने मेरे से रुपए मांगे और नहीं देने की एवज में जान से मारने की धमकी दी। ये विषय। और उसके बाद मैंने 17 तारीख को लोकल SHO जो थाना बड़ा ओड्डा में पड़ता है वहाँ सूचना दी। SHO के पास मैं खुद गया और ये सारी चीज़ उसको दिखाई सुनाई भी। उसके बाद SHO साहब कहने लगे भी आप SP साहब से मिलिए। तो 18 तारीख को फिर मैं सुबह SP साहब के पास गया, 10 बजे SP ऑफिस गया, लेकिन SP साहब नहीं थे। लेकिन मैं मेरी शिकायत वहाँ जो शिकायत कल रखा उसको दे आया जी। ये विषय। तो उसके बाद कल जो फ़ोन आया उस पर आपकी क्या बातचीत हुई SP साहब से, सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के? SP साहब तो मेरे को कह रहे थे भी चाय पीने आओ जी। चाय का और इस विषय का तो कोई मेल ही नहीं है जी। जब एक थ्रेट आई है और जो गैंगस्टर पूरे उत्तर भारत में जी। उस व्यक्ति का नाम है जी। और अभी तक आप देख रहे हैं मेरे पास और मेरे परिवार के पास जी। सरकार की तरफ से क्या सुरक्षा है? यानी कि जो थ्रेट दी गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य जिसका इस इलाके में और चौटाला डबल मर्डर केस में जो दो युवा हैं उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, और इसी गोल्डी ब्राड जिसका नाम आ रहा है उसने भी अम्बाला में कुछ दिन पहले वारदात की, इसमें कई राउंड फायर हुए, तो आपको आप कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस विषय को लेकर के कि थ्रेट दी गई है, पैसे मांगे गए हैं और कहा गया है सीधे तौर पर कि चुनाव अगर पैसे नहीं दिए तो चुनाव तक जिंदा नहीं रहेगा जी। ऐसे है जी के जो गठबंधन सरकार है जी, गठबंधन सरकार जो नेतृत्व कर रही है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे हालात हरियाणा में हो रहे हैं, दिनों दिन क्राइम का जो रेशियो बढ़ रहा है। और 16 तारीख को मेरे को थ्रेटनिंग आई और 20 तारीख को जो हमारे माननीय गृह मंत्री है उनके विधानसभा क्षेत्र में भी मोहित राणा नाम के एक व्यक्ति की गोल्डी ब्राड द्वारा हत्या की गई है और उसको कबूल किया है और फेसबुक पे उन्होंने अपना पोस्ट किया, वो बात जिम्मेदारी ली। तो इससे फालतू और क्या बात हो सकती है? अब मैं इस विषय को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता, क्योंकि जब सामने वाला बोलने वाला ये कह रहा है भी आने वाले चुनाव तक भी ऐसे ही आपने नहीं किया तो हम ऐसे कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक बात भी हो सकती है जी। लेकिन अपने उस विषय को राजनीतिक
से नहीं जोड़ना चाहते, ये अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। फिर तो राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे लोग ही काम करेंगे और उनकी मनपसंद चलेगी, जो कि प्रजातंत्र के लिए गलत है। सुरेंद्र जी, अनिल विज कहते हैं कि उनकी चेतावनी है पुलिस अफसरों को और हरियाणा के अपराधियों को कि या तो अपराध करना छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे, लेकिन इस तरह की जो है थ्रेट है, जो आपके पिताजी भी मंत्री रहे, यानी कि पॉलिटिकल जो घराने हैं उनको इस तरह की जो है फिरौती मांगना, पैसे मांगना, आपके पास बहुत पैसा है, ये वो, इस तरह की जो धमकियां मिल रही हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि जहां पुलिस और मनोहर लाल सरकार है वो ये दम भर रही है कि हरियाणा का, प्रदेश का हर व्यक्ति है जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और इस तरह की जो थ्रेट सरकार की तरफ से कहने की और करने की बात में काफ़ी अंतर है। अब माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं भी पूरे हरियाणा से हम गैंगस्टरों को या जो बदमाश है उनको यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन सरेआम यहाँ नशे का कारोबार हो रहा है, सरेआम लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है, जीना झपटी, लूट खसूट चारों तरफ है। तो सरकार का कोई, मैं नहीं समझता कि सरकार ठीक ढंग से कोई कार्रवाई कर रही है या गृह विभाग कोई ठीक ढंग से कार्रवाई कर रहा है। इस थ्रेट के पीछे क्या वजह हो सकती है? लास्ट सवाल हमारा कि आपका कोई संबंध, कोई आना जाना, कोई रिश्तेदारी या इस तरह की, आपको ही क्यों ये थ्रेट दी गई? अब ये तो थ्रेट देने वाला आदमी इस बारे में बता सकता है जी। मेरा तो ऐसे लोगों से या मेरे परिवार का जो पीछे का इतिहास है या जो हमारे परिवार की चाल चलन है, तो मैं नहीं समझता भी हमारे किसी भी सदस्य का ऐसे लोगों से कभी संबंध रहा हो या भविष्य में कोई हम उम्मीद करें ऐसे लोगों से कभी इनसे हमें ज़रूरत पड़ेगी या हमारे संबंध बनेंगे, मैं अच्छा कुछ ठीक नहीं समझता। तो आपका आना जाना गांव में भी रहता है, बागसर आपका गाँव है, ये थ्रेट दी गई थी उस टाइम भी आप गाँव में भी थे, इस बीच जो है आपको कहीं लगता है कि कुछ हो सकता है या इस तरह की जो पुलिस सुरक्षा आपको महसूस? ये तो साइकोलॉजिकल बात है जी। जब किसी आदमी को किसी ग्रुप द्वारा या किसी विषय पे कोई थ्रेटनिंग आए तो साइकोलॉजिकल वो भय खौफ तो होता ही है, बाकी तो करने वाला ईश्वर है, ईश्वर ही अच्छा करता है, ईश्वर ही बुरा करता है। कल आपने कहा कि अगर मेरे या मेरे परिवार को किस तरह का कोई हमला होता है या कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, सिरसा पुलिस की? बिल्कुल, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ये बात जी। कानून व्यवस्था का मामला सरकार संभालती है या जिले का कप्तान संभालता है पुलिस का। अब जिले का कप्तान सो रहा है और जिले में कोई ऐसी वारदात हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये तो मैं आज भी कह रहा हूँ, रब भी कह रहा हूँ। और जब तक मेरे परिवार की या मेरी ठीक ढंग से सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाए, मैं तो आरोप लगाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेंद्र नेहरा, और हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने, गोल्डी बराड, जिन्होंने अपना नाम बताया और धमकी दी है और कहा है कि अगर पैसे ना दिए तो चुनाव तक वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको जान से मार देंगे। तो इसको लेकर के हालांकि सुरक्षा उनको प्रदान नहीं की गई है, लेकिन एसपी के नॉलेज में भी ये मामला आया है और आज तमाम जो अखबारों की सुर्खियां भी ये मामला जो बना है कि पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा, उनके बेटे को जो गैंगस्टर द्वारा जो है धमकी दी गई है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आप इस धमकी को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या इस तरह की जो धमकियां हैं उसको लेकर के पुलिस का रवैया है वो किस तरह का है। बहुत बहुत शुक्रिया।